तो मेरी सुनो अजय भाई, बात है गिरण की नहीं, मैं इसकी क्वालिटी की, मैं इसकी पकड़ की, इतना दूध दे देगी ना दे देगी, नॉलेज की मैं इसका, जरूरी नहीं है कि घी पीनी है, फिजिकल पाड़े हैं, दिहाड़ी करनी है भी बाढ़ के एक्सीलेंट मारे, मांगी लासी पी के भी एक्सीलेंट मार, ये यू आ रहा है, यू आ रहा है, हाँ यू राज है, यो भगवान की कसम, इसते सिवा ना तेल ना कैल्शियम ना लेना ना बकड़ा ना मकड़ी कुछ नहीं है, कहने की बात है कुछ नहीं। अच्छा हाँ, एक टीम हरा एक टीम दाना गेरा, दाना एक टीम। दोस्तों तो भाई एक बार फिर से स्वागत करते हैं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अजय रेड्डू डेयरी फार्म पर। तो भाई एक और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जी, क्योंकि जो लगातार जो डिमांड थी कि भाई पवन लिजवाणा डेयरी फार्म की बात करें, तो भाई पवन लिजवाणा डेयरी फार्म पे जो पशुओं का जो फीड है, जो फीड प्लान मैनेजमेंट की बात करें, तो भाई इस डेयरी फार्म पे कौन सी जो भी फीड है वो पशुओं को दी जाती है, और जो इतने कम दिन की ब्याई जो झोटियाँ भाई इतना जो अच्छा जो दूध निकाल रही है, तो भाई उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पवन भाई से लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो पवन भाई साहब देखो, कम समय में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये बताओ कि अपनी डायरी पर जो भाई सारे भाई बोल रहे हैं कि इतने इतने दिन की ब्याई बहुत ज्यादा दूध निकालते हैं, देखो तो ये बोल रहे हैं कि बेरानी के गिर है पुना, तो मेरी सुनो अजय भाई, बात है गिरण की नहीं, मैं इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी मैं इसकी पकड़ की, इतना दूध दे देगी ना दे देगी, नॉलेज की मैं इसके बारे में, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इतना चड्डा दिख है तो वह 50 किलो 20 किलो देगी, और जरूरी नहीं है इतना थोड़ी लोटी है तो वह 5-7 किलो देगी, नहीं वो तो बर्ड लाइन पर ही, मैं इसकी क्वालिटी पर ही डिपेंड, जरूरी नहीं है कि घी पीनी है, फिजिकल पाड़े हैं, दिहाड़ी करनी है भी बाढ़ के एक्सीलेंट मारे, मांगी लासी पी के भी एक्सीलेंट मार, बिल्कुल। मेन बात तो यह है भाई साहब, डांगर का नॉलेज के बारे में उसका ज्ञान होना चाहिए, एक जरूरी नहीं है सारी सारी उम्र लकड़ जाए है पहलवानी करते करते नेशनल नहीं खेलते, बिल्कुल भाई साहब, और कुछ टाइम में ही बाढ़ नू देख ले गोल्ड मेडल ले दे, बिल्कुल यह कोई बात नहीं। हाँ। खाने का मामला में आपका श्यामी रखा है, एक एक चीज बता देंगे, बिल्कुल। तो देखो पोनू भाई, फिर भी देखो थोड़ी बहुत जो शिकायत है दूर करांगे सारे वो है कि इस डेयरी फार्म पे भाई कौन सी फीड डाली जाओ, तो सब तो पहले पोनू भाई यो चना का खंडा है भाई, चना का खंडा हो गया, हाँ भाई जी उखड़ा कर दूंगा कट्टा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चना का खंडा है, देख लो भाई जो चने का खंडा हो गया, हाँ भाई जी ठीक है ठीक है। और प्रोडक्ट भाई, ये सोयाबीन की चूरी है, ये सोयाबीन की चूरी, ये देखो भाई साहब नीचे बिल्कुल, लिखा बिल्कुल, ये नीचे भी रखी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ भाई साहब, ये कच्ची गाने की खड़ है, ये होगी कच्ची गाने की खड़ होगी भाई, खड़ होगी बिनोले की, बिनोले की खड़ होगी, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब ये यू आ रहा है, यू आ रहा है, हाँ यू राज है, यो भगवान की कसम, इसते सिवा ना तेल ना कैल्शियम ना लेना ना बकड़ा ना मकड़ी कुछ नहीं है, कहने की बात है कुछ नहीं। अच्छा हाँ, एक टीम हरा एक टीम दाना गेरा, दाना एक टीम, एक टीम गेरा भाई साहब। तो मान लो दूध दे तैयार किए पवन भाई अपनी डेयरी पर, 20 किलो तैयार है तो उसका कितना पड़ा अपनी डेयरी, भाई साहब मेरी सुना, एक टीम दाना गेरा, हाँ मैं इसकी मर्जी है कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, कट्ठाई भी गोदो अपने, हाँ कट्ठे 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 खोल रहे हैं, तो भाई मैं सब एक एक मैच ना, दो दो बाल्टी तीन तीन बाल्टी पड़े आगे पड़े जे भाई, जितना खाओ खा ले, एक टाइम पे, एक टाइम पे, एक टाइम पे प्योर आ रहा, प्योर दोनों टाइम दाना नहीं, अच्छा एक टाइम दाना एक टाइम आ रहा, यू मतलब रेगुलेशन, हां यू रेगुलेशन है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो मतलब भाई साहब जो बोल रहे थे कि भाई पवन कुमार डेयरी पे तो बेरा नहीं कहेगी रहे पवन भाई, ना गेरा ने पूरी डेयरी छान ले भाई, ईसा कुछ भी नहीं है, सब डेयरी महांड ले चाहिए, बिल्कुल गुड़ की डली भी नहीं पाओगी, बिल्कुल भाई गुड़ भी नहीं डाल, हैं नॉलेज होनी चाहिए मैं इसके मामले में भाई साहब। आप इस फील्ड में काम करें 20 साल हो गए, बिल्कुल टोटे नफे कर दे रोज ले, वहाँ जिस आदमी का रोज 10 महीने तक पड़ा पड़े है लेनी भी और देनी भी, उसने नॉलेज ऑटोमेटिक होगी, ब्रीड क्वालिटी की नॉलेज हो जाए। अच्छा एक बालक नया पेपर में बैठा है, एक टेस्ट दे दे के क्लियर करे, पहले नौकरी जेड ग्रुप की ले ली, फिर हरियाणा पुलिस की ले ली, वह छोड़ दी, फिर वह ले ली, वो काम है ना भाई, वो काम, वो एक काम है, आईक्यू तेज हो जाए भाई, नजर, हाँ नॉलेज नजर की मैं इसकी पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल 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 भाई साहब। तो ये देखो भाई, देखो मेरे हिसाब से भाई पवन भाई साहब ने जो है डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं भाई, जो भी प्रोडक्ट है जो फीड है भाई साहब ने वो भी बता दिया, और साथ में जो हरे चारे की व्यवस्था है भाई, देखो ओनली 3 टाइप का जो फीड हो गया, और साथ में हरा चारा
और भाई पानी पिला दिया पशुओं को। हाँ, ठंडा पानी, दो टाइम नहाएंगी। हाँ, मीठा पानी है ओदी का, बिल्कुल बिल्कुल साफ समरसी का। हाँ, हाँ। और कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये मना के बैम है। नूगणा गेर दिया गणा नूग, एक किलो घी पिए पाछे कोसा भाई इंटरनेशनल खेल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कायदे के अनुसार साग में डाल के या रोटी में चूरमा बनाकर खाकर रोज की डाइट शुरू होगी, जब भी तो जाओ। हाँ भाई जी, बिल्कुल वही बात है भाई। तो ये देखो भाई, मेरे हिसाब से भाई पवन भाई साहब ने बिल्कुल डाउट जो है क्लियर कर दिया भाई। एक डेयरी फार्म पर पवन लिजवाना भाई, डेयरी फार्म पर जो फीड मैनेजमेंट है वो भी भाई साहब ने बताया। तो भाई आज की वीडियो में जो एक छोटी सी वीडियो में एक छोटी सी जानकारी जो दी है वो कैसी लगी भाई, और कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है भाई।